जिसके ऊपर आरोप लगा लिया उस बच्चे के प्रति बाप को देवता स्वरूप रहती है नहीं रहती? आरोप लगाने वाले के ऊपर या जिसके ऊपर आरोप लगाया गया है वो? जिसके ऊपर आरोप लगाया है वो। आरोप तो दुनिया में बहुत से लगते रहते हैं, लोग तो सूरज के ऊपर भी आरोप और कीचड़ फेंक देते हैं। आरोप लगाने से क्या होता है, वो स्वीकार करे तब ना। जिसके ऊपर आरोप लगाया गया है क्या वो उस आरोप को दिल से स्वीकार कर लेता है या वो आरोप उसके ऊपर साबित हो जाता है? जब साबित भी नहीं होता और जिसके ऊपर आरोप लगाया गया है वो दिल से स्वीकार भी नहीं करता, उसके ऊपर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता। चोर होगा और चोर से चोर का आ जाए तो वो दौड़ पड़ेगा, साबित करो तुमने हमको चोर कैसे कहा। अब जिसने आरोप लगाया है उसके पास कोई प्रूफ ही नहीं तो डर जाएगा। तो जो चोर होता है वो डरता है और वो कड़क रूप धारण करता है और वो प्रभावित भी होता है दूसरे के कहने से। लेकिन जो चोर है ही नहीं उसके ऊपर कोई लाख आरोप लगाता रहे, सारी दुनिया आरोप लगाए, जो बोला है मुरली में सारी दुनिया दुश्मन बनेगी। सारी दुनिया में कोई रह जाएगा या सारे ही आ जाएंगे? अष्टदेव आवेंगे कि नहीं? अष्टदेव भी उस लिस्ट में आ जाएंगे थोड़े समय के लिए। अगर वो भी उस लिस्ट में ना आवे तो 84वें जन्म में जाके कन्वर्ट न हो, वो भी उस माया के विकराल रूप के प्रभाव में आ जाएंगे थोड़े समय के लिए। तो प्रभावित तो होते हैं, प्रभावित तो होने वाले। तो सारी दुनिया में सब चोर हैं, सब झूठे हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, या कोई दो चार ऐसे भी हैं जो झूठे नहीं है? हैं? सारी दुनिया झूठी और एक सच्चा, ये साबित होना है या नहीं होना है?